नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये हमारा जो बेसिक कंप्यूटर का ट्यूटोरियल है उसका हम सातवां पार्ट यानी सेवेंथ पार्ट हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला है डेस्कटॉप, उसके बाद है फाइल, उसके बाद फोल्डर, आइकन, टास्क बार, एड्रेस बार एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम चलिए पढ़ते हैं कि ये डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूँ तो देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये बहुत सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं, ये इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर जो भी चीज़ आपको दिखेगा वो आइकन होता है। सपोज जैसे कि ये देखिए, ये आइकन होता है। ये आइकन क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर का या किसी फाइल का या किसी फोल्डर का वो पहचानने का एक तरीका होता है। मीन्स कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है। बहुत सारी कंपनी जो अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, उसको पहचानने के लिए, उसको ओपन करने के लिए एक आइकन लगाती है, ठीक है। तो ये आइकन हो गया, जैसे ये ओपन सॉर्ट वीडियो एडिटर का आइकन हो गया, ये SQL व्यू का हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नोटपैड का दिख सकता है, ये माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये आइकन्स हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ आपको दिखता है वो आइकन के थ्रू ही दिखता है। जैसे ये है, ये लिखा हुआ है क्विक एंटरटेनमेंट, इसका मतलब ये है कि ये एक फोल्डर है, फोल्डर का आइकन है। उसी तरह से ये रिसाइकल बिन का आइकन है, ठीक है। तो ये आइकन होता है और ये जहाँ होता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, डेस्कटॉप का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, बट आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा था अगला, वो क्या है कि फाइल क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम एक काम करेंगे, हम फाइल कैसे पहचानेंगे या फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक टेस्ट फाइल क्रिएट करके बताऊँगा। सपोज पहले से है मेरे पास टेक्स्ट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसको एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। तो आपको नया फाइल अगर कोई कहता है कि एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको डेस्कटॉप पे कहीं खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा न्यू का, न्यू का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एरो लगा हुआ, इस पर ले जाएंगे, इसका मतलब ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। इसके आगे देखिए देखिए फोल्डर लिखा हुआ है, शॉर्टकट लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ये क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप इसी पे बाहर कहीं क्लिक कर देते हैं, इधर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता, इस नाम से डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है, जिसका नाम है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इसको ओपन करना है, ठीक है, इसको ओपन करना। तो ओपन करने के लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि इसको सेलेक्ट कीजिए पहले, और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो क्या होगा, ये फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके और डायरेक्टली मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक फाइल ओपन हो गया और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, सपोज ठीक है, जैसे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे KWIKEDEMY Academy YouTube चैनल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे टाइप तो कर दिया, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये मैंने सेव नहीं किया है, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है। जब पहली बार ओपन किया तो देखा आपने कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था, ठीक है। तो ये अभी क्या हो गया, इस पर मैंने कुछ एक टाइप कर दिया, कुछ दो तीन वर्ड टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये अभी सेव नहीं हुआ है। अगर कोई कहता है कि कैसे पता चल रहा है कि सेव नहीं हुआ है, तो ये तो वो बता सकता है जिसने ये टाइप किया है, उसने सेव किया नहीं किया है। अगर कोई दूसरा बंदा है, जैसे कोई आप हो, नहीं जानते हो कि इसने सेव किया नहीं किया, तो जानने का दूसरा तरीका ये है कि देखिए, ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट पीछे देखिए एन के जस्ट बगल में छोटा स्टार लगा हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा सिंबल दिख रहा है स्टार का, वो ये बताता है आपको कि आपका फाइल अभी एडिट हुआ है, आपने कुछ इसमें चेंजेज किए हैं, वो सेव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो क्या होगा, ये मेरा स्टार चला जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं फाइल में जाकर के और इस सेव या कंट्रोल एस, यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, हम शॉर्टकट भी पढ़ेंगे आगे, तो कंट्रोल एस या फिर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो देखिए ये फाइल सेव हो जाएगा और ये स्टार हट गया, ठीक है। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों एक तरीका से ये डॉक्यूमेंट फाइल हो गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है इसमें फोल्डर है, ठीक है। तो फोल्डर के बारे में जानेंगे, फोल्डर क्या होता है, वैसे ही है, सिंपल सा है। आप जाइए राइट क्लिक कीजिए, कोई आपसे कहता है कि फोल्डर क्रिएट कीजिए, यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इसका नाम न्यू फोल्डर 2,
टू इसलिए आ रहा है कि न्यू फोल्डर के नाम से एक और हमारे डेस्कटॉप पे हमारे एक फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए यहाँ टू आ रहा है, ठीक है। तो जब मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे टू आया और वो एडिट मोड में था, ठीक है, इस तरह से था। अब इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं, सपोज इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे कि माई फोल्डर नाम दे देता हूँ, ठीक है, माई फोल्डर नाम दे देता हूँ। तो ये इस तरीके से फोल्डर हो गया दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, और इसमें कुछ अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हो। सपोज मैं ये वाला जो है डॉक्यूमेंट अभी जो मैंने क्रिएट किया, मैं इस फोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो एक तरीका ये है कि यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करो और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर दीजिए, कट करके और फिर इस फोल्डर पर जाइए और यहाँ पर जा करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, ये फोल्डर, ये जो फाइल है इस फोल्डर में आ जाएगा। इसको देखना है तो राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। तो देखिए ये new.txt.document.txt यहाँ पे आ गया। मैं इसको ओपन करूँगा तो जो हमने लास्ट टाइम लिखा था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ एक फोल्डर, बस सिंपल सा फोल्डर है, टेक्स्ट फोल्डर है, बहुत सारे और भी सॉरी टेक्स्ट फाइल है, बहुत सारे ऐसे टाइप के फाइल होते हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। इमेज फाइल होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, उसके बाद वीडियो फाइल होते हैं, ऑडियो फाइल होते हैं, इस तरह के बहुत सारे फाइल होते हैं। मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया कि एक फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, और एक फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं थी, आप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आगे वो आइकन है, आइकन हमने देख लिया, उसके बाद टास्क बार है, ठीक है। टास्क बार क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा है, नाम से ही ये बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। टास्क, कोई भी टास्क अगर आपके कंप्यूटर में चल रहा है और वो जिस बार पे दिख रहा है उसको हम टास्क बार बोलेंगे। जैसे मैंने ये नोटपैड ओपन किया है, ठीक है, नोटपैड एक टास्क है एक तरीका से, जो कि कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म होता है, और ये यहाँ पे देखिए ओपन हुआ। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ऐसे 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 जो लाइन दिख रहा है, इसको हम टास्क बार बोलेंगे। कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो होता है इसको टास्क बार इसको बोलते हैं, क्योंकि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज़ हम ओपन करते हैं, अभी आपके सामने मैंने दिखाया एक फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, तो फोल्डर जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसी तरह से मैं ये डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, तो ये टास्क जो परफॉर्म हो रहा है कंप्यूटर के द्वारा, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले बार को बोलेंगे दोस्तों टास्क बार, ठीक है। कोई भी टास्क अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन दिखाई देगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है एड्रेस बार, ठीक है। अब एड्रेस बार देखते हैं क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए एड्रेस बार क्या होता है, जैसे मैं सपोज यहाँ पे ये फोल्डर ओपन करता हूँ, जैसे माई फोल्डर हमने बनाया था, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये जो होता है, ये वाली लाइन, ये जो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, ये होता है एड्रेस बार। अब एड्रेस बार का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एड्रेस पर जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं डायरेक्टली। सपोज मुझे इस वाले फोल्डर से या इस वाले इस जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है, मतलब कि सपोज मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पाथ है, दोनों का अलग अलग पाथ है, देखिए दोस्तों मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, और ये दूसरा मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ। देखिए दोनों का नाम अलग अलग है, देखिए, ठीक है, एक का नाम माई फोल्डर है और एक का नाम क्विक इंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो मैं इस वाले पे जाना चाहता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले पे जाऊँगा, कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, इस एड्रेस को पूरे को कॉपी कर लिया। अब देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जा करके वो जो एड्रेस हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एंटरटेनमेंट। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मुझे वो डायरेक्टली उस वाले फोल्डर में पहुंचा देगा, उस वाले फोल्डर में ले जा करके मुझे बैठा देगा, रख देगा कि हाँ आप इस फोल्डर में आ चुके हैं, मतलब कि आप उस एड्रेस पे पहुंच चुके हैं, सिंपल सा इसका, इसीलिए हम इसको एड्रेस बार करते हैं कहते हैं। या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, लिखा हुआ देखिए गो टू, जब मैंने इस पर ले गया तो लिखा है गो टू दिस, तो इस वाले फोल्डर पर आपको पहुँचा देगा। चलिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, सपोज चलिए यहाँ पर ये कर देता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे पहले भी फोल्डर में कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है और हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इस बार से इसी एड्रेस पे पहुँचते हैं, इसीलिए हम इसको एड्रेस बार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों एड्रेस बार के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम सीखेंगे, बट इतना ही अभी जितना हमने इसमें मेंशन किया उतना हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा एड्रेस बार, डेस्कटॉप, फाइल, फोल्डर, टास्क बार, ये। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं।
मैं भी आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ जो इसमें मेंशन नहीं है। सपोज आपको आपको एक काम करना है, आपको सिंपल सा एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम फोटोज रखना है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ फ़ोटोज़ डाल देता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोटोज हैं, ये दो हो गया और ये तीन हो गया, मैं इन सबको क्या करता हूँ कट करके, यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोटोज़ हमारे इसमें आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटोज़ का जो आइकन है, जो फोल्डर का जो आइकन है, वो चेंज कर दूँ। तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। देखिए इस पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद, प्रॉपर्टी में गए आप, उसके बाद कस्टमाइज पे जाइए। कस्टमाइज देखिए यहाँ पे बहुत सारे टैब है, जनरल है, शेयरिंग है, सिक्योरिटी है, प्रीवियस वर्जन है, कस्टमाइज है। कस्टमाइज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है चेंज आइकन। आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपको एक आइकन बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो होता है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। हमने इसको बनाया फ़ोटोज़, तो मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटोज़ का आइकन यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कोई फ़ोटोज़ का आइकन है कि नहीं, अगर है तो हम इसको लगा सकते हैं। तो मैं देखता हूँ एक बार आपको कुछ दिख जाए मुझे ऐसे, ठीक है। मुझे लगता है इधर मिस कर दिया हमने, देखिए हाँ ये देखिए, या फिर ये कैमरा का है जिसे ये फ़ोटोज है इस, चलिए चलिए इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये मैंने ओके किया इस पर और अप्लाई पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए इस फोटोज़ का जो पहले फोल्डर, देखिए यहाँ पे कुछ और फोल्डर दिख रहा है, ये कुछ और फोल्डर दिख रहा है, जबकि यहाँ पे आइकन दूसरा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी फोल्डर का आइकन आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आसानी से चेंज हो गया। इसी तरह से किसी का भी जिसे इसका करना चाहते हैं तो उसे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद कस्टमाइज पे जाइए, आइकन पे क्लिक कर दीजिए और कोई सा भी आइकन लगा दीजिए आप अपनी मर्जी से, जो आपको पसंद है, ठीक है। तो सपोज मैं इसको ये वाला आइकन लगा देता हूँ, ठीक है। ओके किया यहाँ पे अप्लाई और ओके, तो देखिए मेरा आइकन चेंज हो जाएगा। देखिए माई फोल्डर का आइकन, कभी कभी नहीं होता है चेंज करने पर, आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये चेंज हो, जैसे माई फोल्डर का आइकन कैसा हो गया ये आप, अभी हमने देखा कि फ़ोटोज़ का आइकन ऐसे हमने बना दिया। तो इस तरह से आप दोस्तों फ़ोटोज़ का आइकन, ये सब का आइकन, फोल्डर का आइकन, ये सब अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं आपके कन्वीनियंट के अनुसार, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ डेस्कटॉप फाइल फोल्डर आइकन टास्क बार और एक आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारा शॉर्टकट्स, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं उनका फंक्शनैलिटी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप चैनल पे जाइए, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ यूट्यूब पे मैं गया, ठीक है। उसके बाद आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे में आपको दिख जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिकेट में, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कोई वीडियो सपोज मैं वीडियो चलाता हूँ आपको। देखिए आप नीचे जब जाएंगे तो आपको एक सब्सक्राइब करने का बटन